हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्किल, बी डी इज इक्वल टू ओ डी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, फाइंड एंगल सी ए बी। तो हमें सी ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन का कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन सेम सेगमेंट सेगमेंट इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि अगर हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, ये हमारी कोई कॉर्ड है ए बी। अब ये ए बी कॉर्ड, जैसे कि अगर मैं मेजर सेगमेंट ले लूं, तो मेजर सेगमेंट पर ये कहीं पर भी एंगल जो सबटेंड करेगी वो सब बराबर। जैसे कि ये एंगल हमारे पास अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, या फिर और कहीं भी ये सबटेंड करेगी तो वो एंगल भी क्या होगा हमारे पास बराबर। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये सब एंगल्स क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है सी ए बी। सी ए बी का मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं, क्या करेंगे अब हम इसमें, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सी डी। सी डी हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी के। तो एंगल, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू ओ डी के बराबर है। बी डी दिस बराबर है ओ डी, ठीक है। तो अब हम इसको देखें तो क्या आएगा मेरे पास, बी डी इज इक्वल्स टू है ओ डी, ठीक है। अभी ओ डी हमारी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो ओ डी हमारे पास बराबर होगी किसके? ओ बी के, क्योंकि ये क्या है? रेडिया है सेम सर्किल की। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि बी डी भी बराबर हो गई है ओ डी के, और ये तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई है। तो मतलब क्या हो जाएगा? सो ट्राइंगल ओ बी डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। सो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल एंगल्स ही हो जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ ये वाला कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर? 60 डिग्री के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री के। अब मैं इस ट्राइंगल में बात करूं बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल बी ई डी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल बी ई डी प्लस एंगल ई डी बी प्लस एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी ई डी हमारे पास कितना है? 90 डिग्री है। और ई डी बी हमें पता नहीं है, एंगल ई डी बी हमें पता नहीं है, और प्लस एंगल डी बी ई हमारे पास 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये कि एंगल ई डी बी हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 150, 180 माइनस 150, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री के बराबर आ गया ये वाला एंगल, ओके। अभी हमारी देखिए बीसी एक कॉर्ड है ना, बीसी हमारी एक कॉर्ड है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि बीसी हमारे पास क्या है? एक कॉर्ड है, और ये सेम सेगमेंट, इसका ये मेजर सेगमेंट है। यहाँ पर ये दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक तो ये और एक ये। अगर इसको मैं, ये बीसी हमारी कॉर्ड है, एक तो ये एंगल सबटेंड कर रही है ये इस मेजर सेगमेंट में, और ये एक ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है। तो मैंने थ्योरम बताई थी, सो ये एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ बीसी इज अ कॉर्ड, सो एंगल क्या हो जाएगा? सी ए बी,
सी ए बी हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी कैसे हो जाएगा, अभी मैंने थ्योरम लिखी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट आर इक्वल ठीक है, इससे ये बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करा था कि सी डी बी, सी डी बी और सी डी बी यही हमारा ई बी डी और सी बी डी सेम ही तो है, एंगल सी डी बी ये सेम ही तो है, बस ये ई पॉइंट तक है ये सी पॉइंट तक है, तो मतलब हमारा सी डी बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ मैं रख सकती हूँ कि एंगल सी ए बी हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।